सर पार्टी पैसे से नहीं चलती है, अगर पैसे से चलती तो दिल्ली में केजरीवाल नहीं होती, अगर पैसे से चलती तो गरीब तबका खत्म हो गया होता। मैनपुरी से भैया जहाँ सफाई को गढ़ा है तो सफाई जीती है, सफाई जीतेगी, गढ़ा ही है सपा का जी। अच्छा आप किसको पसंद करते हैं, बीजेपी को सपा को? कायदे मतलब बीजेपी को पसंद कर, पसंद तो बीजेपी को करते लेकिन जिता सपा को रहे आप। अब जीतते ही सफाई है, दूसरी कोई पार्टी ना जीत जाएगी। मिलना होता है मतलब ना, हमें अखिलेश से मतलब है। अच्छा अखिलेश से मतलब है, तो इस बार क्या लग रहा है कि रिपीट होगी? जीतेंगे, कोई रुकाई ना उन्हें। अच्छा हाँ, मैनपुरी में ना बिखरा था कभी ना बिखरेगा, यहाँ समाजवादी का ही हमेशा जो है झंडा लहराया है, वो हमेशा ही लहराएगा। समाजवादी सरकार जो है नहीं बना पाई वो चीज़ अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर हमेशा से ही समाजवादी का ही गढ़ रहा है, गढ़ ही रहेगा। 2024 के इस लोकसभा इलेक्शन में तमाम राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अपनी तरीके से जुट चुकी हैं, उसी क्रम में हम मौजूद हैं मैनपुरी की जो नवीन गल्ला मंडी है, हमारे साथ कुछ किसान हैं, कुछ पल्लेदार हैं, कुछ आढ़तीय लोग हैं। आज बहुत ही एक अच्छा महाशिवरात्रि का एक पर्व भी है, जो लोग अपने अपने तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी का जो किला है, जो उनका गढ़ है, उसे बीजेपी भेद पाएगी या नहीं भेद पाएगी, क्योंकि लगातार अपने बयानों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो मैनपुरी से जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं किया है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? टिंकू यादव। टिंकू जी मंडी में हैं आप, क्या मतलब आढ़ती हैं, क्या करते, क्या काम है? ट्रैक्टर चला। अच्छा ट्रैक्टर ड्राइवर है। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव यहाँ हैं, 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का यहाँ कब्जा है, लेकिन बीजेपी अब की बार उनका कहना है कि हम 80 में से 80 जीत रहे हैं, और ख़ास तौर से उनका ध्यान मैनपुरी में, क्या लगता है आपकी बार? मैनपुरी से डिंपल ही जीते हैं, कि वो पहले भी जीती थी और यह सीट उन्हीं की है और वे ही जीते हैं, और उनके अलावा कोई नहीं जीते, वो कितनी कोशिश करे चाहे कोई प्रत्याशी उतार दे, यहाँ किसी की धार गलने वाली नहीं। बीजेपी का तो आरोप ये भी है कि जब सरकार इनकी थी, सांसद इनके थे, कुछ काम नहीं कराया, जो काम हुआ है बीजेपी सरकार में हुआ है। बीजेपी सरकार में यहाँ रत्ती भर काम ना है बहु, जितनों काम भाव सब सफाई सरकार अब काम है गो, और ना तुझे गिनाए दें उनको काम, अब कहा रहेगा चौराहे पे सिर्फ मूर्ति लगेबो और चौराहे पे चौकीदारी करबो, और मैनपुरी की सीट पे कोई ले ही नहीं भाई, सिर्फ मुलायम सिंह ही जीते और डिम्पल ही जीते, इनके अलावा सीट कोई जीती नहीं सकते हुए, अब वे चौराहे पे कब्जा कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे कि मैनपुरी जो कर रहे काम, जितो कराओ वो है वो तो डिम्पल को है और मुलायम सिंह को है और अखिलेश को है, और काऊ को कोई काम कराओ वो ना है, अब जगह जगह मूर्ति लगाए रहे, जगह जगह जे उल्टे सीधे काम कर रहे, इनसे कोई लाभ ना है, कोई लक्षण ना है, कोई मतलब ना है। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है सर? पंकज। पंकज जी आप मैनपुरी के रहने वाले होंगे, नॉर्मल सी बात है, अगर हम आकलन करें दोनों लोगों में, बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में, काम किसने कराया यहाँ पे? समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने कुछ नहीं कराया? नहीं, लेकिन जब कराया नहीं है तो इनके यहाँ से जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें उनके विधायक जीते, यहाँ से मंत्री भी हैं जयवीर सिंह, फिर कैसे जीत गए, काम नहीं कराया? वो तो अपने पावर पैसे के उसके दम पे जीत गए, उनका कुछ नहीं बोल। अच्छा तो इस बार मतलब किसकी तरफ रुख लग रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बीजेपी नहीं जीत आ रही है? नहीं आ रही। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या था? संबोध। संबोध अब की बार कौन लग रहा है, कौन जीतेगा यहाँ से? समाजवादी। समाजवादी पार्टी जीतेगी बिल्कुल। अच्छा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी दावा कर रही है इस बार जीतने का? जैसे ही बाकी। अच्छा हाँ, चलिए कुछ शिव भक्त दवाई में नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, आइए और लोग हैं उनसे भी बात करें। आपका नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र भाई लगातार 1996 से समाजवादी पार्टी यहाँ पर है, बिल्कुल, अब की बार उन्हीं का कब्जा रहेगा समाजवादी पार्टी का या कुछ रुख बदलेगा? अभी मैनपुरी तो विकास पे वोट करती है और हम लोग तो खैर व्यापारी हैं और मंडी से जुड़े हुए हैं, मैनपुरी में जो भी देन है समाजवादी पार्टी की, जितना भी यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ तालाब था, यहाँ तालाब था, इधर भी तालाब था, ये पक्के फर्श रोड सड़कें जो भी बनी हुई हैं सब ज़्यादा यहाँ 99% काम मंडी जो आई है, मंडी की नींव समाजवादी पार्टी है, यहाँ जो पक्का काम फर्श वगैरह हुए हम लोग घोल में परेशान हो रहे थे, ये समाजवादी पार्टी की देन है। तो मैनपुरी का विकास जितना भी हुआ समाजवादी पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी
मैनपुरी का विकास रुक गया। हम जातीय आंकड़ों की बात करें तो मैनपुरी यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर मानी जाती है, लेकिन जो टॉप क्लास के यादव हैं इस जिले के, जो कहीं ना कहीं पार्टी को फाइनेंस भी करते थे, पार्टी को आर्थिक मदद भी करते थे, लेकिन वो तो छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं। सर, पार्टी पैसे से नहीं चलती है, अगर पैसे से चलती तो दिल्ली में केजरीवाल नहीं होती, अगर पैसे से चलती तो गरीब तबका ख़त्म हो गया होता। पार्टी चलती है बहुमत से, वोटर से, जो गरीब के बारे में सोचेगा, नीचे तबके के बारे में सोचेगा, वोट उसे मिलेगा। पैसे से नहीं खरीदा जाता, अगर पैसे से खरीदा जाता तो कांग्रेस कभी जाती नहीं, पैसे से नहीं। अच्छा ठीक है सर, आपका नाम क्या है? हम भैया ना बोल पा जाए, नहीं जो बोल पाए वो बता दीजिए। आपकी बार क्या लग रहा है मैनपुरी से? मैनपुरी से भैया ज्यादा सफाई को गढ़ा है तो सफाई जीती है। सफाई जीतेगी, गढ़ा ही है सपा का जी। अच्छा, आप किसको पसंद करते हैं, बीजेपी को सपा को? कायदे में तो बीजेपी को पसंद कर, पसंद तो बीजेपी को करते, लेकिन जिता सपा को रहे आप? अब जीतती सपा ही है, दूसरी कोई पार्टी ना जीत देगी इस बार। अगर आप बीजेपी के, अगर आप पसंद करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, तो बीजेपी दावा कर रही है इस बार मैनपुरी को फतेह करने के लिए? मैनपुरी फतेह कबू ना कर पाई है, कभी नहीं कर पाई, कबू ना कर पाई है। अच्छा, क्या क्या करते क्या? आड़त है। अच्छा, आड़त चलाते हैं यहाँ पे, गुप्ता जी थे हमारे साथ में, मतलब उनका कहना ये है कि मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, बीजेपी को वोट करता हूँ, लेकिन जीत बता रहे हैं सपा की होगी, समाजवादी पार्टी की होगी। कुछ और लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, महाशिवरात्रि जैसे कि मैंने बताया, लोग प्रसाद ले रहे हैं। हाँ, आपका नाम क्या सर? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह, आप तो नामा राशि है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आपकी बार क्या लग रहा है कि वापस सपा रिपीट करेगी यहाँ से मैनपुरी से, क्यों बीजेपी आएगी या कोई और विकल्प है इसके अलावा? सपा चलेगी। अब फिलहाल तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, जब समय आएगा, जब पता चलेगा। अब क्या कहें, अब जैसे अंदरू में इसमें तो कुछ जानकारी है ही नहीं, लेकिन लोग दावे तो करते हैं अपने अपने तरीके से। तरफ से तो सपोर्ट है फुल अखिलेश भैया, अखिलेश यादव को सपोर्ट है। ये तमाम यहाँ पर जो मंडी है, नवीन गल्ला मंडी है, कोई राजनीतिक लोग नहीं है, ये अपना जो कुछ लोग आड़त चला रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, कुछ पल्लेदार हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो धरातल से जुड़े लोग हैं, जो वास्तविकता में पार्टी को मजबूत करते हैं, किसी भी पार्टी को मजबूत करते हैं, या सत्ता और सरकार में बनाने में सबसे अहम भूमिका उन्हीं लोगों की होती है। सर, आपका नाम क्या था? हमारा नाम भूले सिंह। झंडा तो सपा का पड़ा हुआ है आपके? सफाई के हम। अच्छा, हाँ खुले आप। काम क्या करते हैं? पल्लेदारी। तो पल्लेदारी करते हैं तो, लेकिन इस समय सरकार तो बीजेपी की चल रही, जो कुछ मिल रहा होगा उन्हीं की वजह से मिल रहा होगा। मिल रहा हो तो आगे मतलब ना, हमें अखिलेश से मतलब है। अच्छा, अखिलेश से मतलब है, तो इस बार क्या लग रहा है कि रिपीट होगी? कोई रुकाई ना उन्हें। अच्छा, हाँ आशीर्वाद पूरा दे रहे हैं आप? खुलेआम, खुलेआम दे, पूरी ताकत। अच्छा ठीक है, आ जाइए। कुछ और लोग, आपका नाम क्या है सर? राहुल राजपूत। राहुल जी, अब की बार जो समीकरण है कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, पीडीए हुआ, बना फिर टूट गया, और जो तमाम जो राज्य हैं उनमें भी लोग जुड़े, इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, कहा कि साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में सब बिखर जा गया है। क्या लग रहा है कि मैनपुरी में भी इसी तरीके की स्थिति रहेगी? मैनपुरी में ना बिखरा था कभी, ना बिखरेगा, यहाँ समाजवादी का ही हमेशा जो है झंडा लहराया है, वो हमेशा ही लहराएगा। समाजवादी सरकार जो है नहीं बना पाई, वो चीज़ अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर हमेशा से ही समाजवादी का ही गढ़ रहा है, गढ़ ही रहेगा। यहाँ मेन चीज़ ये है भैया कि जो है सबसे ज़्यादा यहाँ विकास जितना भी किया गया है वो समाजवादी पार्टी का किया हुआ है। जब से भाजपा सरकार आई है कोई भी विकास नहीं हुआ है। देखिए आप, जल निकासी क्या ना तो कोई सिस्टम है यहाँ पर, कोई जो भी जो पक्के फड़ आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये समाजवादी सरकार में विकास किया गया। मेन चीज़ ये है कि विकास के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव होता है। जो मैनपुरी में विकास जितना भी है वो समाजवादी पार्टी का है, ना कि कोई जातिवाद, ना तो कोई किसी भी भाव से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काम अच्छा किया है तो काम पर हम जो काम है अच्छा किया। देखिए, आप विकास की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा एशिया में सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर मैनपुरी में होता है, उसके बाद जिला अस्पताल में एक सपा सरकार में एक कैंसर यूनिट बनाई गई, करोड़ों रुपए की लागत से उसे मशीनें आई, आज भी वो सड़ गई हैं, धूल भाग रही हैं, लेकिन चालू नहीं हो पाई। समाजवादी सरकार क्योंकि जा चुकी थी तो उन्होंने कैंसर यूनिट चालू नहीं करवा पाया। नेताजी तो सांसद थे ना यहाँ पे? नेताजी सांसद थे उस टाइम, तब तक तैयार हो पाया, तब तक जो है सरकार बदल गई। आप तो जानते हैं सरकार के इशारे पर सारे काम होते हैं। विकास अच्छा हो रहा है, पूरे प्रदेश में अच्छा हो रहा है, लेकिन ये यहाँ मैनपुरी में जितना भी विकास किया हुआ है वो भाजपा सरकार में हुआ है। मतलब लग रहा है कि गड़ब की बार उनका फिर बचेगा, मतलब कि उसको भेदने में बीजेपी नाकामयाब रहेगी क्या? बिल्कुल, डिंपल भाभी जीतेंगी, अच्छे बहुमत से जीतेंगी, और ये
देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए देखने को मिलेगा, कुछ एक दो लोग और हैं। दादा आपका नाम क्या है? रविंदर। रविंदर जी, अब की बार क्या लग रहा है मैनपुरी में आपको? अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश ही जीतेंगे? इतने लोग यहाँ बैठे सारे ही कुछ अपने एक ही मेजोरिटी के हैं या अलग अलग विचारधारा के हैं? नहीं, एक ही मेजोरिटी। एक ही मेजोरिटी के हैं, तभी सब सपा को जिता रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इस बार मतलब फिर डिंपल भाभी आएंगे लगता है? हाँ जी, डिम्पल भाभी आएंगे। ये कुछ एक दो लोग और आ गए जुड़ते जा रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र जी, आप मंडी में खड़े, किसी समय जो नवीन गल्ला मंडी है इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हुआ करती थी, निकलने को रास्ते नहीं थे। लोगों के दावे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा सरकार में हुआ, कुछ का कहना है ये बीजेपी सरकार में सुधार हुआ है। कहाँ आकलन करते हैं मैनपुरी के विकास को? मैनपुरी में तो, मंडी तो छोड़ो, पूरी मैनपुरी में विकास जो भी किया है माननीय नेताजी ने किया है, बकाया किसी ने नहीं किया। अच्छा, हाँ। आप किसको पसंद करते हैं, किस पार्टी की विचारधारा को आप पसंद करते हैं? हाँ, नेताजी की विचारधारा को पसंद करते हैं। अच्छा, तो इस बार भी सपा ही फतेह करेगी या कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है यहाँ से? नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं किसी से, एक पक्षी वन साइडेड है। 2022 में नेताजी मुलायम सिंह यादव के खत्म होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, उसमें डिंपल यादव यहाँ 3 लाख के वोटों से लगभग जीती थी। हमेशा से, जब से 1996 से यहाँ मुलायम सिंह यादव पहली बार सांसद चुने गए थे, हालांकि 1951 और 1952 में इस लोकसभा सीट की पैदाइश हुई थी, जो पहला लोकसभा चुनाव जब यहाँ पर हुआ था कांग्रेस ने उसको जीता था। 2 से 3 बार कांग्रेस यहाँ रही है, उसके बाद जनता पार्टी से भी यहाँ सांसद रहे हैं, लेकिन 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी यानी कि सैफई परिवार का यहाँ पर कब्जा है। मुलायम सिंह यादव पहली बार यहाँ से सांसद बने, वो कई बार यहाँ से सांसद रहे, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव यहाँ से सांसद रहे, उनके प्रपौत्र यानी कि उनके रिश्ते के जो नाती हैं तेज प्रताप यादव, वो भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, और फिलहाल में उनकी बहू जो है यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव यहाँ से सांसद हैं। बीजेपी तमाम तरीकों से दावा कर रही है इस सीट को जीतने के लिए, लेकिन लोगों का जो जिनसे हमारी बात हो रही है वो बार बार सपा के ही को ही रिपीट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मैनपुरी में अगर जो अच्छे काम हुए हैं विकास के, आप अगर उस काम हुए उसमें समाजवादी पार्टी की एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन बीजेपी ने भी अपने तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया है और जो तमाम जो चौराहे हैं उनका कायाकल्प किया जा रहा है। लेकिन 2024 के इस लोकसभा इलेक्शन में परिणाम तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बीजेपी को अपना एक मजबूत प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, जिसको वो अभी तक खोज नहीं पाई है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचता रहेगा। पंजाब केसरी के लिए मैनपुरी से आफाक अली खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।